So, girls and boys, welcome back to Maths 2, Chapter Number 3, Triangles. Triangles, आप सदियों से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? लेकिन आप इस चैप्टर में थोड़ा डीप में जाओगे. डीप में इन द सेंस आपको काफी कुछ नया सीखने मिलेगा, ओके? अच्छा है, मजेदार है. सबसे पहले ही थ्योरम आ गया, ठीक है? बहुत आसान है. कसम से सिर्फ दो स्टेप में आपका आंसर आता है. जो ये थ्योरम है ये आपका सिर्फ दो स्टेप में आंसर ला के देता है आपको. शुरू करते हैं. थ्योरम है, आपको सिर्फ इतना ही दिया रहेगा एग्जाम में, इतना ही लाइन बस. द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बता देता हूं. ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल PQR, और एक लाइन खींचा है जो है S. ये अंदर जो है एंगल्स 1, 2, 3, ये ट्रायंगल के अंदर है इसलिए कहते हैं इंटीरियर. और ट्रायंगल के एक बाहर भी एंगल है, एंगल PRS यानी R. ये हो गया आपका एक्सटीरियर, ये हो गया इंटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर. सो क्या बोल रहे हैं ये लोग, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. यानी जितना एंगल PRS है, मतलब ये जो है ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम यानी एडिशन ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स. रिमोट मतलब टीवी का रिमोट नहीं, यहाँ पे रिमोट का मतलब होता है, अभी देखो बच्चे लोग, ये 1, 2, 3, अभी ये एंगल PRS है, इसके लिए सबसे दूर एंगल कौन सा है, ये और ये तो पास में है ना, ये तो पास में है, दूर कौन है, एंगल P एंड एंगल Q. रिमोट का मतलब होता है दूर, ठीक है? इसलिए आपने सुना रहेगा जब आप हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है ना रिमोट विलेजेस, यानी दूर एकदम, जो शहर से बहुत दूर है. सो इसलिए कह रहे हैं कि एंगल PRS जो है वो किसके इक्वल है, दिस प्लस दिस. जितना ये दोनों एंगल का है इसको जब आप जोड़ोगे प्लस करोगे तब आपको इतना एंगल मिलता है, ये वो थ्योरम में पूछ रहा है. सो गिवन से शुरू करने का आपका आंसर यहां से शुरू हो रहा है. गिवन एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी एंगल कौन है, एंगल PRS, ठीक है? सो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR मतलब ये प्लस एंगल QPR मतलब ये. आई रिपीट, PQR मतलब हमेशा बीच वाला एंगल देखो, जो बीच में लेटर है ना वो, Q मतलब ये, प्लस एंगल QPR मतलब P, ये ठीक है. PRS किसके इक्वल है, दिस प्लस दिस. दो स्टेप में आंसर आता है. प्रूफ, आपको तो पता ही होगा एक ट्रायंगल में जब तीन एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री. लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव भी किया था कि वो 180 कैसे आता है, ठीक है? सो एंगल PQR मतलब ये प्लस एंगल QPR मतलब ये प्लस एंगल PRQ मतलब ये बीच वाला देखने का R, ये तीनों का प्लस किया तो कितना आता है, 180 डिग्री. नंबर वन दे दो. रीजन क्या है, रीजन लिखना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तीनों एंगल का प्लस करोगे तो 180 मिलेगा. ये हो गया आपका वन. और दूसरा, आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे PR, और ये आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक है एंगल PRQ और एक है एंगल PRS. ये दोनों का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री. क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर. याद आया, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये जो लाइन है ना इसको भूल जाओ, PQ को भूल जाओ, PR है और QS है. सो एंगल PRQ मतलब ये प्लस एंगल PRS मतलब ये पूरा मिला के कितना होगा, 180 डिग्री. क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर. इसको नंबर दो दे दिया. अब नंबर वन और नंबर टू में देखो, ये जो तीनों एंगल है वो भी 180 के बराबर है, टू में ये जो दो एंगल है वो भी 180 के बराबर है. सो फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या मालूम पड़ता है, अगर ये दोनों 180 के समान है मतलब ये तीन एंगल और ये दोनों एंगल सेम है ना. फ्रॉम वन एंड टू, एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRS. समझ में आ गया, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, इसका मतलब क्या, ये दोनों भी इक्वल है. सो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है?
angle PQR plus QPR plus PRQ plus angle PRQ and angle PRS. ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, यह है इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड, यह है इक्वल टू का राइट हैंड साइड. आपको कुछ इक्वल दिख रहा है क्या इसमें, ऐसे कोई जो रिपीट हो रहा है? PQR यहां पे नहीं है, QPR नहीं है, PRQ यहां भी है और PRQ इक्वल टू के यहां भी है. गया तो क्या बचा आपका, सिर्फ एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस इक्वल टू कितना है, एंगल PRS. कुछ नहीं किया है, बस जो दो लोग थे उसको काट दिया क्योंकि दोनों सेम है, तो जो बच गया वो लिखा. अब जरा ऊपर देखते हैं, PQR QPR PRS, PQR QPR PRS हो गया प्रूफ. समझ में आ गया, प्रूफ हो गया. वही प्रूफ करना था ना मुझे, PQR QPR एंगल PRS. ये एंगल है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एंगल है वो, एंगल PQR QPR इज इक्वल टू PRS. प्रूव हो गया, दो स्टेप में आपका आंसर आता है. समझ में आ गया. तो आज आपने क्या सीखा, एक टेस्ट है जिसका नाम होता है रिमोट इंटीरियर एंगल टेस्ट या थ्योरम बोलो, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. टेस्ट बोलना गलत होगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. उसे क्या मालूम पड़ा आपको, जितना ये एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, दिस प्लस दिस. अगर ये 40 और 40 है तो ये हो जाएगा 80, अगर ये 25 और 35 है ये हो जाएगा 60, अगर ये 45 और ये 55 है तो ये हो जाएगा 100. समझ में आ गया, दोनों को प्लस करने पे इतना मिलता है, ये इस थ्योरम का फंडा है. अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, स्कोरिंग है. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1. ओके, प्लीज प्रैक्टिस दिस गाइस, इट्स इंपॉर्टेंट.